जब कुछ पल खातिर रउआ हमार वियोग ना सह सकेनी तो 14 वर्ष के वियोग कैसे सह पाई? यही खातिर हम रउआ से विनती करे आई बनी कि हमरा प्रति रउआ ममता के प्रवाह में बहके रउआ अपन वचन से डिग मत जाई। राम, ये तू कहत बाड़ा? हम सत्य कहता नहीं माता। तू यहाँ ही कोप भवन में अकेले बैठल बैठल अपन वचन से डिगे लागल रहलू। तू सोचे लागल रहलू कि राम के 14 वर्ष के वनवास दिला के और भरत के अयोध्या के राज सिंहासन पे बिठा के तू संसार के दृष्टि में सबसे बुरा बन जाइबू। लोग तोहरा के खलनायिका समझ के गाली दी है और तोहरा प्रति अपशब्द के प्रयोग करी है। तू त्रेता युग के सबसे अनिष्ट और अकल्याणकारी महिला के रूप में प्रसिद्ध हो जाइबू। राम, राम, तू कैसे जानला हमरा मन में जोन महासमर चल रहल बा ओकर बता तारा के कैसे चलल? जैसे हमरा के पता चलल हम रउआ पास चलई नी माता। विधाता के विधान के बदले के विचार कभो अपन मन में मत लावा। माता सरस्वती, मंथरा के जीवा पर बैठ के जोन विचार तहरा के देहले बाड़ी ओकरा से कबो अपन मन मत दिगावा। ये तू का करल बाड़ा राम? रघुवंशी कबो अपन वचन से ना फिरेले माता। और तू तो रघुवंशी के गौरव हौ। तू क्षत्राणी के आदर्श रूप प्रस्तुत करत देवासुर संग्राम में हमार पिता के प्राण बचवले रहलू। यदि तू अपन वचन से डिग गईलू तो पिताश्री पिताश्री हमरा मोह में ग्रस्त होके अपन दिहल दोनों वचन भूल जाई और रघुवंशी के गौरव के कलंक लग जाई। ना, तू ऐसा ना करिया माता, ऐसा कदापि मत करिया। तू अपना आप के बचा के हमरा के अयोध्या में उठे वाला बवंडर के केंद्र बनावे के चाहत बाड़ा। तू चाहत बाड़ा कि हम सब के आंख के किरकिरी बन जाए। हम सोच ले है बानी हम महाराज के धर्म संकट से निकाल ले और उनकरा से कहब के राम के अयोध्या के राजा बनाई। जो रहुआ सोच ले रहनी उहे करी। हमरा और माँ की बाधा ना बन सकेली। ना माँ, तोहरा के हमार शपथ ऐसा ना करिया, ऐसा कदापि ना करिया। तू अपन शपथ देत बड़ा राम, वो हम कैसे तोड़ पाए? तुहरे एगो शपथ पे हम अपन सब कुछ न्योछावर कर दे। तू अपन मांग पे अटल रह माँ। राम खातिर 14 वर्ष के वनवास और राम प्रिय भरत के अयोध्या के राज मिले के ही चाहिए। राम, मेरे राम। माता, रघुकुल के रीति निभावे खातिर तोहरा के अपन कीर्ति के त्याग करके अब कीर्ति के अपनावे के ही पड़ी। हमरा खातिर, अपन राम खातिर। राम, हमारे देह टुक टुक होत जात बा। हमारा अंतरात्मा हमरा के धिक्कार रहल बा। हम महाराज से जोन कुछ मंगले बानी ओकरा खातिर हम क्षमा मांगे के चाहत बानी। हम तोरा के अभी बतावले रहनी कि मंत्रा के जीवा पे माँ सरस्वती पधरले रहनी। ई सत्य बा। मंत्रा विधि के विधान के अनुसरण करत महाराजा दशरथ से ई दुवचन मांगे के प्रेरणा दिले रहे और ई सब कुछ तोहार अटल रहले पर ही संभव बा। सच सच बतावा राम, तू इतना बढ़ त्याग काहे कर चाहत बाड़ा? त्याग ही हमारा आदर्श बा माता। त्याग से ही मर्यादा के रक्षा कइल जाला। और तू देखत बाड़ू राक्षस सबके बल बढ़त ही जात बा। उनका नाश करे खातिर हमरा के अयोध्या के सिंहासन से दूर वन भूमि में जाए के पड़ी। अपन आदर्श की पूर्ति खातिर तू हमार वचन के सहारा ही चाहत बाड़ा। एगो संतान के माता से बढ़ के सहारा और के दे सकेला माँ? बस हमार एगो विनती और स्वीकार कर ली माँ। कहा हमार लाल? ई रहस्य हमनी दोनों के बीच में रहस्य बन के रहे के चाहिए। ई बात के पता ना तो पिताश्री के चले के चाहिए और ना भरत के। माता, रउआ हमरा खातिर कितना ताक कैले बानी। बस ई विनती और स्वीकार कर ली माँ।
राम, तोहरा से प्रिय हमरा खाती संसार में कुछो नहीं के। तू धर्म के रक्षा के प्रयान करा, हम लोग की शब्दवान के आघात सह ले। प्रणाम माता। महाराज, महारानी केकई के दिहल बचन के रउआ के पूर्ण करे के चाही। परंतु महाराज, जौन अनुचित बा ओकरा के रउआ कैसे स्वीकार कर सकता नहीं। महाराज, केकई से कही कि उस सब कुछ मांग ले, परंतु ऐसा मांग ना करें जैसे कि सूर्यवंश के परंपरा ही टूट जाए। यदि युवराज रामचंद्र के अयोध्या के राज्य ना दिहल गईल, इतना ही ना ओकरा के 14 वर्ष खातिर वनवास भेज दिहल गईल, तो अयोध्या के जन जन के हृदय टूट जाए। महाराज, हम जानत बानी महारानी, हम अच्छा तरह से जानत बानी। जब से कहके हमरा सामने दुई अनुचित मांग रखले बाड़ी, तब से हम सोचत बानी कि कौन से अशुभ घड़ी रहे जब हम कहके के ओकर वीरता के स्वरूप में दुई वचन दिले रानी। उहे वचन आज हमरा संकट के कारण बन गेल बा, हमरा चिंता के विषय बन गेल बा। पिताश्री, रउआ सूर्य वंश के गौरव बानी। पिताश्री, राउर वीरता के लोहा मानो और देवता तो का, बड़ा सा बड़ा राक्षस भी मानेला। रउआ के हुए वीरता के शपथ, यू कायर के समान एगो स्त्री के अन्यायपूर्ण अनुचित मांग के समक्ष आपन शस्त्र ना डाली, ठुकरा दी कैकेयी माता के मांग के। तो फिर कहो ये हमार दिहल वचन के बेटा लक्ष्मण, कहो यू रघुकुल के रीति के, जहाँ वचन प्राण से भी प्रिय बा, हम बड़ा दुविधा में फंस गेल बानी। बेटा लक्ष्मण, बड़ा दुविधा में फंस गेल बानी। एकरा में दुविधा कैसन पिताश्री? का रउआ राम भैया के अयोध्या के राज सिंहासन सौंपे के वचन ना देले बानी? का राव राम भैया के अपन प्राण से भी अधिक चाहे वाला वो अयोध्या वासी के इस बात के विश्वास ना दिलौली कि उनका राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दे? का अचानक राम भैया के प्रति होखे वाला अन्याय के समाचार सुने के बाद अयोध्या वासी के हृदय पर बिजली न टूट पड़ी? पिताश्री, ई प्रश्न के का उत्तर बा राउर के पास? ई प्रश्न के हमरा पास कौनो उत्तर ना बा बेटा लक्ष्मण, कौनो उत्तर ना बा। तो फिर कह दी कैकी माता से, चाहे वो कोप भवन में बैठल रहे, चाहे वो क्रोध के अग्नि में जल के भस्म हो जाए, रउआ उनकर मांग स्वीकार न करिहा। माता के प्रति ऐसन अनुचित वचन के प्रयोग ना करे लक्ष्मण। बेटा लक्ष्मण, फिर रणभूमि में दिहल गयल महाराज के दो वचन के का होई? महाराज यही धर्म संकट के निराकरण ढूंढ रहल बाड़न। एकर एगो ही निराकरण भैया, कि कई माता अपन मांग वापस ले और अपन हट छोड़ के रघुकुल के महारानी के गौरव के अनुकूल अपन महानता के परिचय दे। कौशल्या माता, हम राउर से पूछा था नी, का कई माता राम भैया के जन्म से लेके आज तक राम भैया के हम चारों में से सबसे अधिक ना चाहली? का वो सदा यह ना कहत रहली कि राम उनके सबसे अधिक प्रिय बाड़े? इस सच बा लक्ष्मण, राम के सबसे अधिक स्नेह उहे करत रहली। का ई सारा स्नेह एगो झूठ कपट और दिखावा ना बा? ऊ माता जौन राम के अपन पुत्र से भी अधिक स्नेह करत बाड़ी, उहे माता राम के एक दो ना बल्कि 14 वर्ष खातिर वन में भेज देहल चाहत बाड़ी। ऊ माता जे राम के खाना खिलावले बिना अपना मुख में अन्न के एगो कर न डालेली, उहे माता राम के भूखे भटकले पर विवश कर देहल बाड़ी। का ई सब नाटक ना बा? ई नाटक ना रहे लक्ष्मण, हमार हृदय जानत बा कि राम के सबसे अधिक चाहेली। उनका हृदय में राम खातिर बहे वाला स्नेह के धारा के हम स्वयं अनुभव कर रहल बानी।
तो फिर अचानक का हो गई कहके माता के, कहीं वो पागल तो ना हो गई ली? और अगर वो पागल हो गई बाड़ी तो एगो पागल के बात मान लीला, कहाँ के समझदारी बा? वो पागल ना भइल बाड़ी लक्ष्मण, उनकरा के उनकर दासी मंत्रा बहकवले बाड़ी। मंत्रा के अयोध्या में अशुभ प्रवेश यही उद्देश्य से भइल बा। तो फिर अयोध्या के शांत वातावरण में षड्यंत्र के विष फैलावे के परिणाम भुगते के पड़ी उद्दुष्ट मंत्रा के। पिताश्री, रउआ मंत्रा के दंडित करी और दिखा दे अयोध्या वासी के कि रघुवंशी के प्रेम अमृत में द्वेष के विष घोले के परिणाम का होला। बेटा लक्ष्मण, तू ही हमरा के धर्म संकट से निकाल सकेला। आज्ञा दी पिताश्री, हम रउआ खातिर का कर सकेनी? बेटा लक्ष्मण, राम से कहा कि वो हमरा विरुद्ध विद्रोह कर दे। अयोध्या के युवराज होखला के नाते उई घोषणा कर दे कि अयोध्या के राज सिंहासन पे ओकरे अधिकार बा। ओकरा से कह बेटा कि वो अपन अधिकार ना छोड़े, कह कह के अनुचित मांग के उई स्वीकार ना करे। जा बेटा, जा। राउर न्याय भावना धन्य बा पिताश्री, हम अबे राम भैया के पास जात बानी। भैया राम। का बात बा लक्ष्मण, इतना उत्तेजित काहे बड़ा? भैया, पिताजी हमसे कहले बाड़े कि रउआ उनके विरुद्ध विद्रोह कर दी। ई कैसे संभव बा लक्ष्मण? हमनी के रघुकुल के ये परंपरा रहल बा के जौन वचन पिता देवेलन ओकरा पुत्र के भी निभावे के होखेला। अर्थात अयोध्या के राज सिंहासन पर से आपन अधिकार छोड़े खातिर प्रस्तुत बानी आप? पिता के वचन के सम्मान करे खातिर, हम सब कुछ करे खातिर प्रस्तुत बानी लक्ष्मण। परंतु हम ही रउआ के ना करे दे भैया, उ अन्यायपूर्ण वचन के बलि रउआ के ना चढ़े दे। बड़ा भ्राता और युवराज होके के नाते अयोध्या के सिंहासन पर राउर अधिकार बा, और हम ही अधिकार रउआ के दिला के रहा। तू उहे करबा जे उचित और न्याय संगत होखी, ई हम जाने ली। उत्तेजना से बचा लक्ष्मण, उत्तेजना से समस्या के समाधान न होखेला, उ और भी उलझ जाला। विद्रोह खातिर उत्तेजना आवश्यक होखेला भैया, और हम रउआ से विद्रोह के मांग कर रहल बानी। कर दी विद्रोह उ राजा के विरुद्ध जे राजरोहण के दिन ही रउआ के वन में भेज देवे के चाहत बा। कर दी विद्रोह उ अन्यायपूर्ण मांगन के विरुद्ध जौन वचन के नाम पे रउआ पर थोपल जा रहल बा। नीति शास्त्र भी यह कहेला भैया, अन्याय सहा भी अन्याय करे के समान होखेला। चुपचाप अन्याय सहे वाला भी अन्यायी के समान ही अपराधी होखेला। अयोध्या में ना कोनो अन्याय होखेला और ना कोनो अपराध। ई सूर्यवंश के पूर्ण भूमि बा लक्ष्मण। ई समय एजा जौन कुछ भी हो रहल बा उ विधि के विधान के अनुसार बा। हमके एकरा में हस्तक्षेप करे के कोनो अधिकार ना बा। परंतु संकट के ई घड़ी मा मूक दर्शक बनल रहे हमके कतई स्वीकार ना बा भैया, और हम रउआ के भी ऐसा ना करे देव। एक भाई होके के नाते हमार भी रउआ पर कुछ अधिकार बा भैया। रघुवंशी के मर्यादा के अनुसार बड़ भाई के अधिकार छोट भाई से अधिक होखेला लक्ष्मण। हम तोरा के उहे अधिकार के दुहाई देके कह रहल बानी के ई विषय के तूल ना द। यदि रउआ हमके विवश करबा तो हम चुप हो जाई भैया, परंतु अयोध्या के प्रजा ई बात पे चुप ना रही। जब उनके पता चली कि रउआ के बलपूर्वक वन भेजल जा रहल बा तो वो विद्रोह कर दी। ई विषय में अब हम कुछ ना कही, इहे उचित बा लक्ष्मण। जे हो रहल बा ओकरा होखे द और अपन अपन कर्तव्य के पालन करा। जय श्री राम।
हनुमान, हनुमान उठा, हनुमान वो ऋषि मुनि के रक्षा करा, वो दुष्ट राक्षस उनका के सता रहल बाड़े, उठा हनुमान, उठा आँख खोला हनुमान। जय श्री राम। हनुमान तू कहाँ बाड़ा हनुमान, हनुमान धर्मात्मा सब। प्रणाम। अभी दुष्ट राक्षस रउआ लोगन के कबो परेशान न करी हैं। जय श्री राम। वीर हनुमान के, वीर हनुमान के, वीर हनुमान के, वीर हनुमान के।